शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिवराय विद्यार्थी संगठन और भूमिपुत्र संघर्ष वाहिनी ने प्रशासन और प्रबंधक का ध्यान आकर्षित किया। वर्धा जिले के अलीपुर में भारतीय स्टेट बैंक के खाता धारकों को फसल ऋण के वितरण के बारे में लगातार शिकायतों के बाद भूमिपुत्र संघर्ष वाहिनी और शिवराय विद्यार्थी संगठन की अगुवाई में बैंक के सामने मुंडन आंदोलन कर निषेध किया गया। 22 मई को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार ऐसे सभी किसानों को जल्द से जल्द बिना देरी के ऋण आवंटित नहीं किया था, इसीलिए भूमिपुत्र संघर्ष वाहिनी और शिवराय संगठन हजारों किसानों की उपस्थिति में मुंडन किया गया और प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया। शिवराय विद्यार्थी संगठन के अध्यक्ष नितिन सेलकर, विकास गोठे, रोशन नारद, ऋषिकेश कोमुजवार और गांव के अन्य किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हिंगनगाड़ के नायब तहसीलदार शमशेर पठान, मंडल अधिकारी मासाए ने आंदोलन को मुलाकात की। और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उस वक्त नितिन सेलकर ने अमोल गेड़ाम, यह कर्मचारी इस बैंक में नहीं चाहिए, वो बैंक में किसानों को कुछ कारण नहीं रहते हुए अपमानित करते हैं, अगले तीन दूसरे कर्मचारी की नियुक्ति की जाए, क्रॉप लोन केस प्रक्रिया शुरू की जाए, स्टेट बैंक मैनेजर पाटिल को नायक तहसीलदार ने बताया है। आज स्टेट बैंक के शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यासाठी आणि इथला जो फील्ड ऑफिसर आहे कृषीचा तो एक महिन्यापासून इथे नसल्यामुळे एक आंदोलन करण्यात आलं, त्यात तहसीलदार स्वतः तिथे आले, आमचे निवेदन स्वीकारले आणि आम्ही जेव्हा बँक मॅनेजरला या संदर्भात भेटलो, बँक मॅनेजरने आम्हाला 8 दिवसात रोज एका दिवसात 50 हिशोबाने आम्ही असलेल्या 300 केसेस 6 ते 7 दिवसात काढून देतो असे आश्वासन दिले। हे आश्वासन त्यांनी लवकरात लवकर पूर्ण करावे अशी आम्हाला त्यांना विनंती आहे, नाही केल्यास आम्ही आंदोलन परत तीव्र करू एवढा आम्ही संघटनेद्वारे इशारा दिला। मागील 3 महिन्यापासून कोरोनाचं संकट देशावर नाही तर जगावर आलेलं आहे आणि अशा संकटामध्ये फक्त आणि फक्त शेतकऱ्यांची अॅग्रो इंडस्ट्री ही चालू आहे। मात्र मागील 3 महिन्यापासून भारतीय स्टेट बँक अलीपूर येथे कार्यरत असलेले गेडाम हे मागील 1 महिन्यापासून जे जेव्हा पीक कर्ज वाटपाचा कालावधी येतो अशा वेळेतच ते 1 महिन्यापूर्वी इथून त्यांनी फळ काढलेला आहे। अशा त्या ठिकाणी मागील 1 महिन्यापासून जेवढे काही पीक कर्ज घेणारे शेतकरी आहे त्यांच्या सगळे केसेस प्रलंबित आहे, त्या केसेस लवकरात लवकर सोडवण्यात यावा, त्यांना लवकरात लवकर कर्ज मिळावं यासाठी म्हणून आज भूमिपुत्र संघर्ष वाहिनी व शिवराय विद्यार्थी संघटना यांच्या माध्यमातून आज सर्व शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन आंदोलन करण्यात आलेलं आहे। आम्हाला या ठिकाणी नायब तहसीलदार पठाण साहेब यांच्याकडून आश्वासन मिळालं आहे, पुढल्या हप्त्यामध्ये आम्हाला फील्ड ऑफिसर देण्याचं त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे। जर या ठिकाणी फील्ड ऑफिसर मिळाले नाही तर आम्ही यापेक्षाही जास्त तीव्र आंदोलन करू, हे या बातमीपत्रातून मी निश्चित सांगतो। एनबीसी न्यूज के लिए हिंगनगाड से रवि एनोरकर की रिपोर्ट।